रमन लांबा और क्या है उनकी पूरी कहानी, कैसे क्रिकेट में सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से उनकी जान चली गई। बात करेंगे रमन लांबा की, जो कि एक महान क्रिकेटर थे। इनका जन्म 2 जनवरी 1960 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। 1980 में उन्होंने अपने क्रिकेट के करियर की शुरुआत की थी। तब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में खेलकर क्रिकेट में अपनी जगह बना ली। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बहुत ही अद्भुत खेला और अपने खेल से सभी को चौंका दिया। वो शुरुआत में इंडियन क्रिकेट में वनडे क्रिकेट प्लेयर बन गए। तब उन्होंने 1986 के ऑस्ट्रेलिया कप में खेला और उसी में एक बहुत कठिन कैच पकड़ा था। उनकी फील्डिंग जबरदस्त थी, अंडर प्रेशर भी उन्होंने कई अच्छे और बड़े कैच पकड़े। वो तब सब्स्टिट्यूट फील्डर होने के बाद भी बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा करते थे। उनका क्रिकेट का असली दौर तब शुरू हुआ जब वो कई बार मैन ऑफ द मैच जीते। लांबा ने 1987 में श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उनका टेस्ट करियर सिर्फ 4 मैचों का ही रहा, जिसमें उन्होंने 102 रन बनाए। वनडे में उनका डेब्यू 7 अक्टूबर 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। अपने डेब्यू सीरीज में ही उन्हें बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच सीरीज दिया गया था। उन्होंने भारत के लिए कुल 32 मैच खेले। ओवरसीज प्लेयर के तौर पर रमन लांबा सानेज क्लब आयरलैंड के लिए भी खेलते थे। लांबा सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि अपनी फील्डिंग के लिए भी मशहूर थे। रमन लांबा को 1987 में एक आयरिश लड़की किम मिशेल क्रोथेड से प्यार हो गया। उन्होंने 3 साल बाद शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हुए। रमन लांबा का क्रिकेट का करियर ठीक जा रहा था, लेकिन एक बार रशीद पटेल के साथ एक टकरार की वजह से रमन को 10 महीनों के लिए इंडियन क्रिकेट से रद्द कर दिया गया। वो क्लब क्रिकेट खेलने के लिए बांग्लादेश के ढाका चले गए थे। वहाँ लगातार क्रिकेट खेलने और प्रसिद्धि मिलने के कारण वो खुद को ढाका का डॉन कहा करते थे। पर ढाका के मैदान पर कुछ ऐसा हुआ, कुछ बड़ा हादसा हुआ, जिससे पूरी दुनिया शॉक में चली गई। रमन लांबा ढाका के बगबानशु स्टेडियम में 20 जनवरी 1998 को ढाका लीग प्रीमियर के डिवीजन का फाइनल मैच खेलने के लिए रमन मैदान में उतरे थे। उस मैच के रमन के टीम के कप्तान मोहम्मद अमीनुल इस्लाम थे। उन्होंने लांबा को फील्डिंग शॉट के लिए बुलाया। उन्होंने लांबा को हेलमेट पहनने के लिए कहा, लेकिन लांबा ने मना कर दिया क्योंकि वो फील्डिंग के दौरान कभी हेलमेट नहीं पहना करते थे और इसी के लिए उन्हें जाना जाता था। उन्हें तकलीफ होती थी कि वो फोकस नहीं कर पाते थे फील्डिंग के दौरान। चाहे कुछ भी हो, वो हेलमेट नहीं पहना करते थे। लेकिन इससे उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो हर क्रिकेटर के लिए एक सीख बन गया। जब कप्तान ने उसको हेलमेट पहनने के लिए कहा तो लांबा ने कहा, ओवर की 3 ही गेंद तो बाकी है, इसीलिए उसने हेलमेट नहीं पहना। गेंदबाजी कर रहे थे बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सैफुल्ला खान, जिन्होंने 4th गेंद डाली, जिसे स्ट्राइक पर खड़े बैट्समैन ने जोर से पूल मारा, जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े लांबा के सर से इतनी जोर से टकराई कि लांबा के सर से टकराकर वापस कीपर के पास पहुंच गई। गेंद के इतनी जोर से लगने से लांबा नीचे गिर गए। कप्तान अमीनुल दौड़कर लांबा के पास गए और उनसे पूछा, तुम ठीक तो हो? इस पर लांबा का जवाब आया, मैं तो मर ही गया यार। हालांकि बाहर से ये चोट बहुत कम दिख रही थी, गंभीर नहीं दिख रही थी, लेकिन चोट सर के अंदरूनी हिस्से में जा लगी थी, जिसकी वजह से उनके सिर के अंदर खून बह रहा था। उसके इलाज के लिए दिल्ली से न्यूरोसर्जन ने भी उड़ान भरी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लांबा कोमा में चले गए थे। 23 फरवरी 1998 को उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पोर्टुगल चली गई और अब भी वहीं रहती है। तो ये थी पूर्व क्रिकेटर रमन लांबा की कहानी, जिसने एक अलग ही मोड़ ले लिया। क्या आप भी रमन लांबा के बारे में ये सब बातें जानते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।